हेलो गाइस, आई एम दिलीप कुमार विश्वास। वेलकम टू लर्न बाय टेनर। आज हम सब एक्सेल में लाए हैं एमआईएस। एमआईएस कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है ना, वो भी प्रैक्टिकल डेटा का ऊपर। एमआईएस कैसे क्रिएट करोगे, सबसे पहले एक्सेल शीट को ओपन करते हैं। एक बार डेमो भी दिखा देते कैसे क्या क्या क्रिएट करना है। देखिए यहाँ पर बहुत सारा बहुत डेटा है, ठीक है ना। थोड़ा सा देखिए क्या क्रिएट करना है, आज क्या सीखना है, थोड़ा सा देख लीजिए आज एमआईएस में क्या सीखना है। देखिए टोटली प्रेजेंटेशन देना है, ठीक है ना। सेल्स रिपोर्ट ऑफ मंथ, मंथ वाइज कैसे सेल हुआ है इसका रिपोर्ट निकालना है। कैटेगरी वाइज कैसे सेल हुआ है रिपोर्ट निकालना है, ठीक है। उसका बाद स्टेट वाइज कैसे सेल है उसको निकालना है। उसका बाद ओवरऑल एक रिकॉर्ड दिया है कैसे क्या सेल हुआ है इसको रिकॉर्ड निकालना है। जो भी ऐसे एक्शन रिपोर्ट बनाना है, सबसे पहले डेटा को क्लियर कीजिए तभी इसको क्लियर होगा, अदरवाइज आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना। देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है बट क्या है आपको पता नहीं चलेगा। सबसे पहले हम सब डेटा में जाते हैं, मेन होता है डेटा, क्योंकि डेटा के ऊपर डिपेंड करके ही बनाया हूं। तो डेटा को पहले क्लियर करना होगा तभी आपको समझ में आएगा। देखिए डेटा ओपन किया हूं, सबसे पहले जो देखिए डेटा मेरा कितना डेटा है, ठीक है। एक बार कंट्रोल डाउन करके नीचे जाएंगे तो क्या होगा, एंड ऑफ द डेटा में आ जाएंगे। कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस कर दीजिए, देखिए मॉनिटर में भी दिखा है। तो लास्ट डेटा में आ चुका हूँ, देखिए कितना दिखा रहा है, 82,968 दिखा रहा है डेटा, मतलब 80,000 के ऊपर डेटा है। अभी 80,000 के ऊपर डेटा जब भी देखेंगे तो क्या होगा, अभी रिपोर्ट बनाना बोलेगा तो उसी टाइम हम सब सोच में पड़ जाएंगे, अरे इतना डेटा के ऊपर रिपोर्ट कैसे बनाएंगे ना। तो ही है आज प्रैक्टिकल जो डेटा है, ये डेटा क्या, कौन सा चीज़ का डेटा है, शॉपिंग मॉल का डेटा है, ठीक है। एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है उसी का डेटा है। अभी इसी प्रैक्टिकल डेटा के ऊपर हम सब रिपोर्ट बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर मंथ देख रहे हो, फाइनेंस ईयर भी दिया हुआ है, सेल्स टाइप। अभी जो मॉल है ना, मॉल में कैसे सेल किया जाता है, देखिए दो टाइप का सेल होता है। एक तो सेल होता है शॉपिंग मॉल में डायरेक्ट सेल होता है, जैसे मॉल खोल के रखते हैं अभी जो कस्टमर आता है जैसे सेल करते हैं। एक होता है अमेजन सेल, मतलब मॉल का ही टाइप है अमेजन का साथ, तो अमेजन का थ्रू भी सेल होता है, मतलब एक ऑनलाइन भी होता है एक ऑफलाइन भी होता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अभी जो ये जो मॉल जो है ना, कौन सा स्टेट में है, जो इंडिया कंट्री का नाम तो देख रहे हैं इंडिया, अभी कौन सा स्टेट में बिलोंग कर रहा है, कौन सा स्टेट में, देखिए वेस्ट बंगाल, यूपी, हरियाणा, गुजरात, बिहार, ये सब स्टेट में है, ओके। और क्या दिया है, मैनेजर भी दिया है, कौन सा स्टेट का कौन सा मैनेजर कैसे टैकल कर रहा है, कौन सा मैनेजर का क्या परफॉर्मेंस है वो भी रिपोर्ट में निकालना है। कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी, मतलब उसी मॉल में क्या क्या चीज सेल हो रहा है, ग्रोसरी है तब लेडीज लोग के लिए है, जेंट्स के लिए है, बच्चे के लिए है, बड़ा बहुत सारे का ग्रोसर और बहुत सारा होशियारी का चीज है, तो बहुत सारा चीज है। अभी बायर भी है, कौन सा कस्टमर को क्या सेल कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है टोटल डेटा, 80,000 प्लस डेटा दिया हुआ है। इसी का ऊपर क्या करना है, ऐसा सुंदर सा एक अट्रैक्शन रिपोर्ट बनाना है। अभी मंथ वाइज देखिए, सबसे पहले 2018 में कौन सा महीना में अमेजन का कितना सेल हुआ है, शॉपिंग मॉल का सेल कितना हुआ है, ये जो मंथ वाइज पूरा रिकॉर्ड दिया हुआ है 2018 का। उसके बाद नीचे देखिएगा 2019 भी दिया है ना, 2018-2019 दे दिया, ठीक है। मंथ वाइज रिपोर्ट हो गया, इसको निकालना है। उसके बाद कैटेगरी वाइज, कौन सा कैटेगरी कितना सेल हुआ है, ठीक है, अमेजन में कितना, शॉपिंग मॉल में कितना, सब रिकॉर्ड है यहाँ पर। उसका बाद और रिपोर्ट में जाइए नीचे देखिए स्टेट वाइज रिपोर्ट, कौन सा स्टेट में क्या परफॉर्मेंस है, कौन सा मैनेजर कैसे काम कर रहा है, पूरा रिकॉर्ड है स्टेट वाइज मैनेजर का भी परफॉर्मेंस, हम सब रिपोर्ट निकाले। तीन रिपोर्ट हो गया और एक है ओवरऑल, मतलब एक समारी, अमेजन का टोटल सेल कितना हुआ है, शॉपिंग मॉल में टोटल सेल कितना हुआ है, ऑनलाइन का थ्रू कितना परसेंटेज सेल हुआ है और शॉपिंग मॉल का थ्रू कितना परसेंटेज सेल हुआ है। तो ये जो रिपोर्ट है एक एक करके हम सब, ये जो एट्रैक्शन रिपोर्ट है एक एक करके बनाएंगे। देखिए बीच में क्या है, स्लाइसर, ये दो फाइनेंस ईयर, यहाँ पर क्लिक करोगे तो 2018-17 के फाइनेंस ईयर दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो 2018-19 का दिखा रहा है। तो ये हो गया फाइनेंस ईयर का स्लाइसर। स्टेट वाइज भी है, यहाँ पर बिहार में क्लिक करोगे तो बिहार का रिकॉर्ड आएगा, गुजरात में क्लिक करोगे तो गुजरात का रिकॉर्ड आएगा। तो हम सब स्टेट वाइज भी रिकॉर्ड देख सकते हैं, ये सिर्फ गुजरात का ही रिकॉर्ड दिखा रहा है। जो क्लिक करोगे फिल्टर लगा हुआ है, स्लाइसर क्या होता है, फिल्टर का एक अपडेट वर्सन होता है, ठीक है, इसको हटा दीजिए। और देखिए और क्या स्लाइसर है, कैटेगरी वाइज जो भी देख सकते हैं, अरे बच्चे लोग का देखना है कौन सा स्टेट में क्या हुआ है, तो सब पूरा परफॉर्मेंस देख सकते हैं, ठीक है ना। ये तो किड्स का टोटल सेल हो गया, अभी कौन सा महीना में क्या सेल हुआ है, कौन सा स्टेट वाइज कितना सेल हुआ है, पूरा रिकॉर्ड आपका सामने है, एक क्लिक से रिपोर्ट आ रहा है। तो ये जो एट्रैक्शन वाला रिपोर्ट बनाए कैसे बनाए, आज का टॉपिक यही है, ओके गाइस। तो आज हम सबको सीखना है एमआईएस रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक शीट ओपन कर लेते हैं।
तो ये ओपन हो गया। अब इसमें क्या करना है, बैकग्राउंड लगाना है। देखिए इसमें भी बैकग्राउंड था, तो पीछे एक बैकग्राउंड आप सब देख सकते हैं, सुंदर सा एक शॉपिंग मॉल का बैकग्राउंड है। अरे बैकग्राउंड भी कैसे लगाएंगे, जिसको पता नहीं है तो बैकग्राउंड कैसे लगाते हो उसको पता नहीं होगा, तो थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, आप सबको पता ही हो जाएगा। पेज लेआउट में जाओगे, बैकग्राउंड में क्लिक करना है, वॉक ऑफलाइन में क्लिक कर दीजिए। अभी जहाँ पर आप पिक्चर रखे हो, जाइए फॉर्म फाइल से जहाँ पर आपका पिक्चर है वहाँ पर आप इसको ढूंढ के ले सकते हैं। मेरा डेस्कटॉप में ही था, ये वाला बैकग्राउंड लगाए थे, इसी को ले लेते हैं, ठीक है ना। सेम रिपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे डेमो में दिखाए ऐसे ही बनाना कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम सब वही बैकग्राउंड ले लिए। अभी देखिए जो लाइन को हम सब क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइंस, इसको कैसे हटाएंगे। व्यू में जाओगे, ग्रिड लाइंस को अनचेक कर दिए, तो हट गया, सुंदर सा बैकग्राउंड लग चुका है, क्लियर हो गया। अभी देखिए यहाँ पर रिपोर्ट बनाना है। अभी सबसे पहले डेटा में जाओगे, कर्सर को रखना है, क्योंकि डेटा के ऊपर ही तो रिपोर्ट बनता है, तो डेटा में तो रखना है, रख दिए। इंसर्ट पिवट टेबल क्लिक कर दिए, ठीक है। अभी कहाँ पर रिपोर्ट बनाना है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में क्लिक करना है, लोकेशन दे दीजिए, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर बनाना है, इसको लोकेशन दे दिया। हाँ, आपको पिवट टेबल पता नहीं है तो मेरा एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो एकदम बेसिक ये जीरो से लेके एडवांस लेवल तक दिखाया गया था, ठीक है ना। तो वीडियो थोड़ा क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हम आज हम सब पिवट टेबल क्या है वो सब क्लियर नहीं करेंगे, रिपोर्ट कैसे बनाएंगे वो दिखाएंगे, ठीक है ना। तो पिवट टेबल के बारे में जानना है तो एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, उसमें पूरा क्लियर कर लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम सबको मंथ वाइज रिपोर्ट निकालना है, ठीक है ना। तो एक बार क्या करना है, यहाँ पर ईआर को पहले सिलेक्शन कर लीजिए, ईआर आ गया। अभी मंथ को भी सिलेक्शन कर लिए, ईआर में क्या होना चाहिए, मंथ होना चाहिए, तो ईआर में मंथ हो गया, आ गया ईआर में मंथ। अभी क्या करना है, कैटेगरी वाइज सेल, तो सेल्स टाइप में कैटेगरी है, कौन सा आइटम का कैसा है, ऑनलाइन कैसा हुआ है, अमेजोन का थ्रू कैसा हुआ है, शॉपिंग मॉल कैसा हुआ, आ चुका है। अभी कितना सेल हुआ है तो मतलब वैल्यू में जाना होगा, सेल्स इसमें क्लिक कर दिए, बस मेरा रिपोर्ट आ चुका है। अभी समझ में तो आ नहीं रहा है क्या क्या लिखा हुआ है, इसको क्या करना है, डिजाइन देना है। डिजाइन में जाओगे, देखिए बाहर क्लिक जब भी करोगे ना पिवट टूल्स हट जाएगा, देखिए हट गया, क्योंकि इसी के लिए वो टूल्स है, तो क्लिक करोगे तभी आएगा। तो डिजाइन में जाके हम सब क्या करेंगे, सुंदर सा एक डिजाइन ले लेते हैं, जैसे था वही ले लेता, यही था ना, तो इसी को ले लिया, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा सुंदर करना है, जो रो लेवल देख रहे हो ना, रो लेवल में क्या करना है, इसमें ईआर डालना है। अरे मंथ को क्या करना है, मंथ में ले आना है, तो देखने में सुंदर लगेगा। तो इसको क्या करना है, डिजाइन में जाके देखिए रिपोर्ट लेआउट है, इसमें ना आउटलाइन फॉर्म कर दीजिए, ठीक है, कॉम्पैक्ट है बाय डिफॉल्ट, इसको क्लिक कर दीजिए, देखिए और सुंदर हो जाएगा। देखिए ईआर ईआर में आ चुका है, मंथ मंथ में आ गया, ठीक है ना, देखने में भी सुंदर लग रहा है। और इसको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मैनुअली सिलेक्शन करके ना, मैनुअली सिलेक्शन करके थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह दे दीजिए, तो देखने में और सुंदर लगता है। बॉर्डर बीच में कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए, और थोड़ा सा बड़ा भी करना तो बड़ा भी कर दीजिए, देखने में सुंदर लगेगा। तो हो चुका है। अभी और क्या करना है, ये सम ऑफ सेल्स, इसमें भी आप अपना कोई सा भी अपना टाइटल दे सकते हो, जैसे इसमें राइट बटन क्लिक करके कहाँ पर जाना है, वैल्यू फील्ड में जाना है। इसमें देखिए सम ऑफ सेल लिखा हुआ है ना, सम ऑफ सेल यही है, इसको आप कर दीजिए, क्या करना है, सेल्स रिपोर्ट ऑफ मंथ वाइज, मंथ वाइज ही निकाल रहे हैं ना, मंथ वाइज रिपोर्ट हम सब एक निकाल दिए। ओके, जब भी ओके किया हूं तो इसमें इतना सुंदर आ नहीं रहा, इसको रैप टेक्स कर दीजिए, रैप टेक्स जब भी किया हूं सुंदर सा हो चुका है। मंथ वाइज रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट ऑफ मंथ वाइज, ठीक है ना, मंथ वाइज सेल्स रिपोर्ट जो भी कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो हमारा मंथ वाइज सेल्स रिपोर्ट निकल चुका है, इसको भी थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कर ही सकते हो, तो हो गया। और क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज करना है तो कर सकते हैं, तो इसको भी थोड़ा बॉर्डर है तो इसको भी थोड़ा सा, जैसे वहां पर कलर चेंज था थोड़ा सा, हम सब यहाँ पर भी कर देते हैं, ऐसे ही था ना ये लो, तो और अच्छा लगेगा देखने में, देखने में भी सुंदर लगता है, तो ये सब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम सबको जो पहला, हाँ ग्रैंड टोटल, ये जो ग्रैंड टोटल इधर भी है नीचे भी है, ठीक है ना, तो दो दो ग्रैंड टोटल रखना तो बेकार ही है। देखिए नीचे भी ग्रैंड टोटल दिया हुआ है, तो एक ग्रैंड टोटल को हटा देते हैं। तो कौन सा हटाना है, ये जो राइट साइड में ना इसी को हटा दीजिए, इसी को हटाने से क्या होगा, थोड़ा जायगा मिल जाए, क्योंकि मुझे हमें क्या चाहिए, मंथ वाइज कौन सा ऑनलाइन का कैसा हुआ, अमेजन का कैसा हुआ, शॉपिंग मॉल का कितना सेल हुआ है, तो इसको हटा देते हैं। इसको कैसे हटाओगे, ये भी देखने का चीज है, डिजाइन में जाओगे। अभी देखिए ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल में जाकर क्या करना है, ओनली ऑन फॉर कलम ऑनली, इसको क्लिक कर दिया, देखिए बगल से हट गया, तो कितना सुंदर अभी आ गया, इसको जायगा मिल गया, ठीक है ना।
तो इसीलिए हटा दिया और कोई मैटर नहीं है। चलिए और एक रिपोर्ट बनाते हैं, तो हो गया ए वाला रिपोर्ट हो चुका है। हाँ इसमें भी योलो टीयोलो है, इसमें भी डाल सकते हो योलो, ठीक है ना, इसमें भी बॉर्डर वगैरह लगा सकते हो, तो लगाने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हो। इसमें भी देखिए हम सब क्या किए थे, थोड़ा सा बॉर्डर को मोटा कर दिए थे और कुछ नहीं है। इसमें भी हम सब लाइन को ना थोड़ा सा लाइन कलर को येलो कर दिया हूँ, इसको क्लिक करोगे तो येलो हो जाएगा। अभी इसको लाइन को थोड़ा सा मोटा कर दिए थे, लाइन 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 स्टाइल, लाइन स्टाइल में इसको क्या किए मोटा कर दिए बस, ठीक है, तो मोटा हो गया, देखने में और अच्छा लग रहा है, तो ऐसे हम सब मोटा भी कर दिए थे। चलिए अभी क्या निकालना है, सेल्स रिपोर्ट अब के कैटेगरी वाइज, तो फटाफट निकाल दीजिए, डेटा में जाइए, कर्सर को रखिए, वही एक ही पैटर्न। क्या करना है, इंसर्ट पाइवट टेबल, कहाँ गया इंसर्ट पाइवट टेबल। हाँ अरे वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं, सीखना है तो थोड़ा सा बड़ा हो ही सकता है। तो लोकेशन देना है, लोकेशन कहाँ पर दोगे, लोकेशन थोड़ा सा जैसे है वहां पर, थोड़ा सा यहाँ पर स्लाइसर लगाना है तो स्लाइसर थोड़ा सा कर दीजिए यहाँ पर, इसे स्लाइसर थोड़ा यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है, ओके। जब भी ओके करोगे फिर से एक विंडो ओपन होगा, विंडो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर क्या रिपोर्ट बनाना है, यहाँ पर रिपोर्ट बनाना है कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले सेल्स टाइप में क्या करना है, कलम में डाल दीजिए, ओके डाल दिया हूँ। अभी कैटेगरी कहाँ गया, कैटेगरी कैटेगरी ये कैटेगरी कैटेगरी क्लिक कीजिए, रो में डालना है, आ चुका है। अभी सेल वैल्यू में भी क्लिक कर दीजिए, वैल्यू में कहाँ जाता है, वैल्यू में जाता है बस। कलम में जो लेना है उसको ड्रैग करना है, बाकी तो बाई डिफॉल्ट रो में आता है और बाई डिफॉल्ट वैल्यू वैल्यू में जाता है। इसको भी वही है, इसको भी हम सब क्या करना है, इसको भी थोड़ा सा डिजाइन देना है। अब डिजाइन नहीं दोगे तो समझ में आएगा नहीं क्या चीज है यहाँ पर, तो हम सब इसमें कौन सा डिजाइन, ए वाला डिजाइन दे देते हैं, ठीक है, डिजाइन दे दिया हूँ। इसमें कभी इसका भी वही करना है, थोड़ा सा इसको कॉम्पैक्ट जो है बाय डिफॉल्ट उसको थोड़ा चेंज कर दिए। रिपोर्ट लेआउट में जाना है, क्या करना है, आउटलाइन बा टेबुलर फॉर्म जो भी करना है कर दिए, एक ही टाइप का दिखाता है, ठीक है ना। देखिए कैटेगरी आ गया कितना सुंदर। और इसको ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए तो क्या करना है, ग्रैंड टोटल को यहाँ पर ओनली काम कर दिए, ये भी हट जाएगा। और इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा मोटा सोटा कर देना है तो देखने में भी सुंदर लगेगा, बॉर्डर भी दे दिए तो और सुंदर लगेगा। तो ये सब तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में क्या होता है, जितना सुंदर करोगे उतना ही अच्छा लगता है, ठीक है। सिलेक्शन ही हट गया मेरा, सिलेक्शन कर लिया हूँ, बॉर्डर डाल दिया हूँ, ओ अभी तो बॉर्डर थोड़ा मोटा कर दिए थे तो मोटा ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं, होने दीजिए, बोल्ड सुंदर ही लगता है देखने में, ठीक है बस, ठीक है। अभी इसको भी फॉन्ट को थोड़ा सा इसमें ब्लैक करने से लगेगा अच्छा लगेगा, हाँ ब्लैक ही अच्छा लग रहा है, तो ये देख लेना है कौन सा किसका साथ अच्छा लगता है, ठीक है ना। इसको भी थोड़ा बॉर्डर दे दिए तो और अच्छा लगेगा, बस हो गया, तो ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, कैटेगरी वाइज जो साम लिखा हुआ इसको भी चेंज करना है तो कैसे करोगे, बोले थे राइट बटन क्लिक, कहाँ पर जाना है, वैल्यू फील्ड में जाना है, यहाँ पर क्या लिखना है, सेल्स रिपोर्ट ऑफ कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज सेल्स रिपोर्ट जो भी लिखना है, सेल्स रिपोर्ट ऑफ कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज तो कर दिया हूँ, ओके ठीक है, ओके हो चुका है। इसको भी थोड़ा रैप टेक्स्ट में कर दिए और इसको छोटा कर दिए तो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, देखने में सुंदर लगेगा, और भी छोटा कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जगह मिल गया छोटा कर ही सकता हूँ। इसको थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, ठीक है बस, सुंदर सा हो गया। ये भी एक रिपोर्ट बन चुका है मेरा, और क्या रिपोर्ट है देख लीजिए, और रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट हो गया अभी, हाँ स्टेट वाइज रिपोर्ट है, चलिए इसको भी करते हैं। सबसे पहले क्या करना काम है, कर्सर को डेटा में रखना है। देखिए एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अभी कहाँ पर जाना है, रिपोर्ट में इंसर्ट पाइवट टेबल, पाइवट टेबल में गया हूँ, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, लोकेशन, लोकेशन देना है कहाँ पर आप बनाओगे, ये जो सीट 4 है वहां पर हम सभी गया हूँ। फिर से एक बार नीचे इसका नीचे थोड़ा सा गैप करके यहाँ पर बनाना है, ओके कर देता हूँ, ठीक है, आ चुका है। फिर से एक विंडो ओपन हो गया, अभी इसी विंडो में क्या करना है, ब्रांच स्टेट वाइज रिपोर्ट निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टेट ले लेते हैं, स्टेट कहाँ गया मेरा, एज स्टेट, स्टेट ले लिया हूँ, स्टेट आ चुका है। अब ये इसी स्टेट में क्या होना चाहिए, मैनेजर लोग को भी आना चाहिए, मैनेजर देखिए मैनेजर भी होगा, हाँ मैनेजर लोग, मैनेजर लोग डाल दिया, तो सब स्टेट में मैनेजर लोग आ चुका है, देख रहे हैं ना, मैनेजर लोग आ गया, थोड़ा सा ऊपर कर देते दिखा देते, ठीक है। अभी हो गया, अभी कि सेल्स टाइप में तो कलम में रखना है, तो देखिए सेल्स टाइप कहाँ पर गया, सेल्स टाइप, सेल्स टाइप को क्या करना, ड्रैग करना है, क्योंकि इसको ड्रैग करोगे कलम में, सेल्स टाइप आ गया।
अभी वैल्यू को तो सेल्स वैल्यू में रखना है, सेल्स वैल्यू कहाँ गया, सेल्स, तो ये भी बाय डिफॉल्ट चल जाएगा वैल्यू में, कोई दिक्कत नहीं, आ गया। बस मेरा ये रिपोर्ट भी हो चुका है, इसको भी वही सुंदर करना है। सबसे पहले डिजाइन दे देना, डिजाइन नहीं दोगे तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि मैं पीछे सुंदर सा बैकग्राउंड दिया हूँ, इसमें कौन सा दे दे, चलिए यही डाल देता हूँ, या नहीं नील ए डाल देता हूँ, ठीक है, इसको कर दिया हूँ। इसको भी ग्रैंड टोटल या इसको भी चेंज करना है तो एक ही डिजाइन में जाओगे, सबसे पहले रिपोर्ट लेआउट में जाइए, टेबुलर फॉर्म आउटलाइन फॉर्म कोई सा भी कर दिया, स्टेट स्टेट हो गया, मैनेजर मैनेजर हो गया, कोई बहुत सुंदर है। अभी क्या करना है और क्या करना है, इसमें लिखना है तो स्टेट वाइज रिपोर्ट हम सब लिख सकते हैं, सिलेक्शन राइट बटन क्लिक, वैल्यू फील्ड सेटिंग, यहाँ पर जाके शाम जो लिखा है हम सब कर सकते हैं, सेल्स रिपोर्ट सेल्स रिपोर्ट ऑफ स्टेट वाइज, सॉरी स्टेट वाइज, ठीक है, बस ओके। तो यहाँ पर हो गया सेल्स रिपोर्ट स्टेट वाइज, इसको भी थोड़ा सा रैप टेक्स में कन्वर्ट कर दिया, तो रैप टेक्स मतलब क्या होता है, लिखा को तोड़ देता है, तो ठीक है तोड़ भी दिया हूँ। अभी इसमें भी थोड़ा सा क्या करना है, सुंदर करना है तो वही इसको भी थोड़ा बॉर्डर लगा दिए, इसको भी यहाँ तक है यहाँ तक लगा दिए, बॉर्डर देखने में भी सुंदर लगता है, बॉर्डर लगा दिया हूँ, बोल्ड थोड़ा सा बड़ा भी कर दिया, ठीक है, इसको भी वही, इसको भी हेडिंग को भी हम सब थोड़ा सा बोल्ड बॉर्डर बोल्ड और थोड़ा बड़ा, ठीक है ना, और ग्रैंड टोटल नीचे ही तो हटा रही है, क्यों ग्रैंड टोटल नीचे है, एक दो दो ग्रैंड टोटल का कोई मतलब ही नहीं है, तो हम सब ग्रैंड टोटल में जाना है, यहाँ पर जाके ओनली कलम कर देना है, तो ग्रैंड टोटल हटाने से देखिए ए भी थोड़ा शेप में आ चुका है ना, तो देखने में भी सुंदर लगता है, ये सब देखने में भी सुंदर लगता है, वही थोड़ा सा देख के बड़ा करके छोटा करके ई करके कर दीजिएगा तो देखने में भी सुंदर लगेगा। देखिए स्टेट को भी ऐसे ही कर दीजिए बोल्ड बड़ा, ठीक है। अब ये सब का भी कलर थोड़ा हेडिंग का है तो हेडिंग का कलर दे सकते हैं, इसका बैकग्राउंड मानिए हम सब क्या कर दे, बैकग्राउंड बैकग्राउंड नहीं व्हाइट तो अच्छा नहीं लगे, वैसा भी बैकग्राउंड दे सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा भी थोड़ा सा, हाँ ये ठीक है, बैकग्राउंड दे दिया हूँ। फॉन्ट कलर को भी अलग करना है तो अलग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है व्हाइट ही रखना है, जैसे आपका इच्छा करे जो आपका मन करे वही दे सकते हैं, बस ये बहुत सुंदर लग रहा है तो दे दिया हूँ, बस सुंदर है, ठीक है। तो इसका भी हेडिंग अच्छा लग रहा है, इसका भी चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसको भी ऐसे कर दिए, ठीक है ना, और इसको अलग सा देना चाहते तो वो भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं जो वही देना है, जो आपका मन करे यहाँ से चॉइस करके जो सुंदर लगेगा उसी को आप सब चॉइस करके इसको करना है, तभी तो सुंदर लगेगा ना देखने में। चलिए स्टेट वाइज रिपोर्ट हो गया, फटाफट हम सब तीन रिपोर्ट बना लिए, ठीक है ना, और एक एक, एक, एक और एक एक रिपोर्ट है, क्या है, एक ओवरऑल रिपोर्ट है, एक ओवरऑल माना इसको क्या है, एक तो सिंपली रिपोर्ट है, अभी अमेजन का टोटल कितना सेल हुआ है, ठीक है ना, इसको कितना सेल हुआ है, तो चलिए सेल्स टाइप के हिसाब से एक रिपोर्ट बनाते हैं। सबसे पहले डेटा को कर्सर में रखिए, इंसर्ट में जाइए, पाइवट टेबल, एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एग्जिस्टिंग सीट में जाना है, लोकेशन लोकेशन दे दीजिए, लोकेशन यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है, ओके ओके। जब भी किया हूँ फिर से विंडो ओपन होगा, अभी क्या सेल्स टाइप रो में डाल दिए, देखिए अमेजन सेल्स आ गया वैसे ही आ गया जैसे था, अभी अभी क्या है सेल किया है ना, उसका सिर्फ सेल ही है, बस सेल इसका छोटा सा सामारी कितना सेल हुआ है, सेल्स में डाल दिया हो गया। इसमें ना इसको दो बार कर दिया क्योंकि एक परसेंटेज भी निकालना है, तो इसको सिलेक्शन करना ड्रैग करके फिर उसके उसी के ऊपर छोड़ दिए तो क्या होगा डबल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले डिजाइन दे दिए, जब तक डिजाइन आप नहीं दोगे तो क्या होगा समझ में नहीं आएगा, और डिजाइन तो देना होगा, डिजाइन ही पता चलेगा हाँ क्या रिपोर्ट है, इसको ए वाला दे देते हैं। चलिए इसको क्या करना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, देखिए राइट बटन क्लिक, कहाँ पर जाओगे, वही वैल्यू सेटिंग में जा रहा हूँ, गया हूँ, ठीक है ना, इसको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाके क्या करना है, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, ओके ओके, जब भी करोगे परसेंटेज हो चुका है, बस और क्या करना है, बस मोटा मोटी तो सुंदर ही है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, और आशा करते हैं आप सब सीख चुके हो कैसे कलरिंग करना है, कभी कैसे डिजाइन करना है, कैसे बड़ा करना है, कैसे हेडिंग को कलर करना है, ठीक है ना, आशा करते हैं आप सबको मोटा मोटी क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर वाला इसको ठीक किया हूं तो, और कहां गया मेरा
इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा नीचे जाके फिर से एक बार इसको हटा देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा जाएगा का लग रहा है, कमी हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा नीचे जाके फिर से इसको ठीक कर, देखिए हम सब रिपोर्ट बनाए थे यहाँ से बनाए थे, तो जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। इसको अभी थोड़ा डिज़ाइन चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। अभी इसको थोड़ा सा क्या करना, ड्रैग करके आप सब खींच सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो वहां पर ही है तो वहां पर ही रखना है, तो हम सब खींच सकते हैं, ठीक है। इसको क्या करना, परसेंटेज कर देना है, राइट बटन क्लिक, व्यू सेटिंग, देखिए उसको चेंज हो गया था, इसलिए मैं मुझे फिर से आना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, तो आ गया हूँ। चलिए ये तो समरी हो गया, ओवरऑल एक रिपोर्ट बन चुका है, ठीक है ना। ओवर इसको भी टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो रिपोर्ट को थोड़ा सा आउटकम कर दीजिए, तो देखने में अच्छा लगता है, सेल्स टाइप हो गया, अमेजन है, बहुत सुंदर है। चलिए ये हम सब चार रिपोर्ट फटाफट बना लिए, ठीक है। अभी क्या करना है, स्लाइसर बनाना है। स्लाइसर कैसे बनाओगे, सिलेक्शन इंसर्ट, स्लाइसर से तो बहुत बड़ा काम होता है, तो स्लाइसर का भी ये कर देते हैं। तो तीन स्लाइसर था, फाइनेंशियल ईयर था, और क्या था, स्टेट वाइज था, और एक था हम लोग का था कैटेगरी वाइज। तीन स्लाइसर था, तीन स्लाइसर आप सब ले लीजिए। अभी लेके तीन स्लाइसर को थोड़ा सा सुंदर कर दिए, इसको भी थोड़ा सा नीचे आगे करके दे दिए, ठीक है। अभी स्लाइसर भी हम सब क्या कर सकते हैं, स्लाइसर भी सुंदर कर सकते हैं, सब कुछ ही है। प्रेजेंटेशन में जितना सुंदर करेगा उतना अच्छा लगेगा। तो ये हो गया स्लाइसर, ठीक है, ये हम लोग का स्लाइसर। अभी इसको थोड़ा सा ऐसा बड़ा कर दिए, तो इसको ब्लॉक हो जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा देखने। हाँ, इसको भी कलर वगैरह लगा सकते हो। स्लाइसर में कलर कैसे लगाना है देखिए, जाते हैं एक बार दिखाई देते हैं। न्यू स्लाइसर में जाओगे, क्योंकि मशीन का ये तो बाय डिफॉल्ट मशीन का है, अपना कलर लगाना है तो फॉर्मेट में जाके कोई सा भी कलर दे सकते हो। देखिए फटाफट मैं दे देता हूँ, ऐसे पूरा स्लाइसर में ऐसा कलर लेना है, हेडर में क्या कलर लेना है, हेडर में ऐसा कलर लेना है, ले लिया हूँ। अभी जो सिलेक्ट आइटम है ना, इसमें थोड़ा सा सुंदर आइटम ले लीजिए, दो सुंदर मतलब दो कलर का कॉम्बिनेशन बना दीजिए, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर रेड एंड व्हाइट कर दीजिए, तो देखने में सुंदर लगता ही है। तो इसका भी हम सब अपना कलर डाल दिए, ओके कर दीजिए, ये क्या हो गया, अपना पैटर्न आ गया। तो इसको आप सब क्लिक करोगे तो ये अपना पैटर्न हो गया, ठीक है। तो ऐसे और स्लाइसर था, और इसको स्टेट वाइज, स्टेट को पकड़ के ले जाइए इसी का नीचे, इसको भी थोड़ा सा बगल से खींच दीजिए, तो ये जो गैप है ना, गैप क्या होगा, बंद हो जाएगा, और देखने में भी सुंदर लगता है। इसको भी एक कलर दे दीजिए, कलर तो दिखा दिए, और कलर हम सब नहीं दिखा रहे हैं, देखो वीडियो बहुत क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो फटाफट जो मेन काम है हम सब दिखा देते हैं। अभी जब देखिए कैटेगरी वही करना है, इसको इधर से ड्रैग कर दीजिए, और इधर से तो है ऑलरेडी, तो ठीक है, इसको भी कलर वगैरह दे दी, ठीक है, दो तीन कलर दे दिए। अभी सबसे मेन काम है स्लाइसर का क्या करना है, लिंक करना है। लिंक नहीं करोगे तो क्या होगा ना, ये जब क्लिक करोगे ना, एक ही टेबल फ्रैक्चर्ड हो रहा है, देखिए बगल वाला नहीं हिल रहा, बगल वाला हिल रहा है क्या, स्टील है। तो इसको क्या करना, लिंक करना है। अभी स्लाइसर लिंक करोगे कैसे करोगे, सिलेक्शन राइट बटन क्लिक, रिपोर्ट कनेक्शन। देखिए मैं हमसे चार रिपोर्ट बनाए थे ना, तो चार रिपोर्ट, देखिए शीट फोर है, शीट फोर, तो शीट फोर कौन सा है, देखिए ऊपर वाला नहीं होगा, ऊपर वाला तो मेरा जो पहले के बना के रखे, हाँ ये शीट फोर जो अभी बना है, 1 2 3 4, ठीक है, ओके, ये हो गया। इसको भी सिलेक्शन कीजिए, इसको भी लिंक करा दिए। जो तीन स्लाइसर बनाया है, तीन स्लाइसर को क्या करना है, लिंक करना है। तो लिंक देख रहे हैं ना कैसे कर रहा हूँ, सिलेक्शन राइट बटन क्लिक, रिपोर्ट कनेक्शन, और जो ऑलरेडी एक क्लिक रहता है, और बाकी जो तीन को है उसको भी क्लिक कर दिए, और नीचे जाइए। अभी तभी क्या हो जाएगा, बहुत सुंदर रिपोर्ट हो जाएगा, जो भी बॉस को रिपोर्ट चाहिए ना, एट ए सेकेंड आप दे सकते हो। सिलेक्शन राइट बटन क्लिक, रिपोर्ट कनेक्शन, थोड़ा सा नीचे जाइए, 1 2 3 और 1 4, बस ओके, बस हो गया। अभी देखिए अभी रिपोर्ट में क्या है, अभी रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट चाहिए आपको, देखिए मोटा मोटी ऐसा हो गया ना, जैसे यहाँ पर था रिपोर्ट ऐसे ही हो गया। हाँ, ऊपर में हेडिंग था, ऊपर में भी हेडिंग तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, इसको सिलेक्शन करके कंट्रोल प्लस प्लस करके दो तीन हेडिंग ऊपर में कर दिए। अब इसको क्या करना है, इसको इतना तो कर ही पाओगे, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्च करके क्या लिख देना है, सेल्स रिपोर्ट ऑफ शॉपिंग मॉल, यही मैं किया हूँ, तो सेल्स थोड़ा सा आर को बड़ा कर दिया, सेल्स रिपोर्ट ऑफ शॉपिंग मॉल, ठीक है।
अब इसको भी थोड़ा सा सुंदर कर दीजिए, सुंदर ही तो सब कुछ होता है, जितना सुंदर करोगे उतना ही अट्रैक्शन ज्यादा होता है ना। तो इसको भी हम सब ऐसे सुंदर कर देते हैं, ठीक है। अब कोई सा भी बैकग्राउंड टैकग्राउंड लगा दिया, तो इतना ज्यादा मैं नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप सब कर पाओगे आशा करते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसा कर पाओगे, ठीक है। चलिए ऐसे कर दिया हूँ, ठीक है। तो ऐसा हो चुका है, रेट दिए थे, आप सब रेट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो चुका है रिपोर्ट, तो ये सब हम सब बना लिए। अभी देखिए थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है, मेन तो हो रहा है चेंजेस। अभी 2017 क्लिक करा, देखिए सब चेंज हो रहा है, देखिए हिल रहा है, देखिए इधर भी डेटा फ्लैक्चुएट हो रहा है, इधर भी हो रहा है, मतलब पूरा लिंक हो चुका है। अभी मुझे देखिए एक बार एक रिपोर्ट देखना है, कौन सा देखना है, हरियाणा का रिपोर्ट देखना है, देखते हैं हरियाणा, देखिए हरियाणा में कितना मंथ वाइज सेल हुआ है, कितना कौन सा आइटम सेल हुआ है। अभी हरियाणा वाला स्टेट में जाते हैं, देखिए अभी सिर्फ हरियाणा का ही दिखा रहा है, पूरा नहीं दिखा रहा है, कारण मैं हरियाणा का फिल्टर किया हूँ, है ना। तो स्लाइसर है फिल्टर का एक अपडेट वर्सन है, देखिए यहाँ पर दो मैनेजर है, राजीव रॉय और सुजय दत्ता, तो इसका भी थोड़ा परफॉर्मेंस दे दिया है, ठीक है। तो ये हो गया स्टेट वाइज परफॉर्मेंस। अभी कोई ग्रोसरी का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो ग्रोसरी का रिकॉर्ड दिखा देगा, देखिए ग्रोसरी का रिकॉर्ड हो गया। तो जैसे आप इसमें क्लिक करोगे ऐसे ही रिपोर्ट आ जाएगा, एट ए सेकेंड, एक क्लिक से हम सब इतना सुंदर एट्रैक्शन रिपोर्ट हम सब बना सकते हैं। तो आज का टॉपिक यही था, तो आशा करते हैं गाइस आप सबको ये क्लियर हो गया कैसे हम सब इतना सुंदर एक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, शॉपिंग मॉल्स कुछ भी हो, कुछ कोई सा भी हो, एक सुंदर सा अट्रैक्शन एक रिपोर्ट बना सकते हैं। तो आशा करते हैं देख सकते हैं, ऐसे ही बना लिया हूँ, ठीक है ना। तो और सुंदर कर सकते हैं, तो एक कलरिंग टलरिंग करना, तो एक बैठ बैठ के और सुंदर कर सकते, क्योंकि अभी उतना करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो मेन जो चीज़ था हम सब तो दिखा दिए, ठीक है ना। अभी थोड़ा फॉन्ट को कितना, कौन सा कलर लगाओगे, कौन सा कलर अच्छा लगता हो, तो आपको वो डिपेंड करता है कितना सुंदर कर सकते हो। तो बट मेन जो फोकस करना था उसमें हम सब कर चुका हूँ। तो आशा हो करते हैं गाइस आप सब ये जो MIS कैसे क्रिएट करते हैं, वो भी प्रैक्टिकल डेटा का ऊपर, ये जो 80,000 डेटा है ना, 80,000 डेटा प्रैक्टिकल डेटा है, प्रैक्टिकल डेटा का ऊपर आज हम सब क्या किए, MIS बनाए, ठीक है। तो MIS कैसे क्रिएट किए करते हैं पूरा आज पूरा क्लियर कर दिए, वो भी डेटा वाइज। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे इसी के ऊपर, क्या करेंगे, चार्ट बनाएंगे, चार्ट का थ्रू कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं। तो आज का वीडियो तो डेटा वाइज ही बहुत बड़ा हो चुका है ऑलरेडी, तो आज का वीडियो हम सब डेटा वाइज कैसे रिपोर्ट बनाते हैं आज का MIS में यही क्लियर किया हूँ। ओके गाइस आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय।